हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग रियलमी की तरफ से। रियलमी 9 प्रो प्लस की मैं अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप कलर देख सकते हो यहाँ पे, इसकी अनबॉक्सिंग आप मैं आपको करूँगा। पूरी अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो जो इसमें होने वाली है। तो थोड़ी बहुत मैं चीज़ें यहाँ पे रख लेता हूँ, सीधा सीधा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमारे पास कवर आ जाता है, यहाँ पे आप लोगों को कवर मिल जाता है। इस बार थोड़ा अलग डिज़ाइन रियलमी ने करने की कोशिश की है, थोड़ा सा अलग है। वैसे तो ये वन प्लस के कुछ फ़ोन आए उनकी तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग ये करने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर पिन मिल जाता है, यहाँ पे चार्जर आपको मिल जाता है, 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको होने वाली है। केबल आपको मिल जाती है, टाइप सी केबल ये होने वाली है। चार्जर काफ़ी फास्ट आपको 60 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिलने वाला है। इसकी प्राइसिंग भी आपको अंडर 25,000 ये मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। आप कलर देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्लैक कलर इसको ये बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अलग मतलब एक टेक्सचर यहाँ पे मिल जाता है, वो काफ़ी सही मेरे को यहाँ पे लगा। डिज़ाइन भी आप देख सकते हो काफ़ी सही है। इस बार इसका मतलब बम्प वगैरह मतलब थोड़ा सा इसको एप्पल की तरफ, अगर दो कैमरे अगर आप देखोगे तो आईफोन की तरह इन्होंने 11 की तरह इन्होंने रखने की कोशिश की है। बाकी हल्का सा एक साइड में और इन्होंने दे दिया। कैमरे के बारे में मैं पूरी बात करने वाला हूँ। सोनी की तरफ से इस बार कैमरे आने वाले हैं, सोनी के मतलब अच्छे सेंसर्स यहाँ पे होने वाले हैं। फोटोज़ वगैरह के सैंपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो काफी सही इस बार मतलब शाइनिंग वाला इस बार डिजाइन इन्होंने दिया है, जो काफी मेरे को सही लगा। तो इसकी प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये ठीक है। इसका मैं आपको साइड लुक वगैरह भी सारा दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में आपको क्या मिल जाता है, मतलब वॉल्यूम वगैरह का बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मतलब सिंपल आपको बटन मिलने वाले हैं और आपको कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ आपको पावर बटन यहाँ पे मिल जाता है, जो भी काफी सही। आप बम्प भी देख सकते हो यहाँ पे, कैमरा बम्प भी काफी ज्यादा आपको मिलने वाला है। कैमरा बम्प आपको देख सकते हो काफी मतलब दिखता है, आप अगर साइड में से देखोगे तो आपको काफी ज़्यादा बड़ा कैमरा बम्प यहाँ पे मिल जाता है। बाकी साइड में आपको पावर बटन के अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, जो ठीक है। इतना कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब मोटा है अगर बम्प तो। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ आप दो सिम यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब आप एसडी कार्ड का आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऊपर से आप देख सकते हो एक माइक्रो फोन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो ठीक है। एक माइक्रोफोन आपको ऊपर और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आप साइड में भी लुक देख सकते हो, यहाँ पे स्पीकर आपको मिलने वाला है, स्टूडियो स्पीकर आपको मिलने वाले हैं, इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर होने वाले हैं। 3.5mm जैक भी आपको मिलने वाला है, टाइप सी पोर्ट आपको चार्जिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है, माइक्रोफोन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो काफ़ी सही। आपको सब कुछ चीज़ें सही मिल जाती है, आपको सब कुछ। मैं यहाँ पे स्पीकर्स भी आपको आवाज़ वगैरह भी सुना दूंगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज़ की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जो काफ़ी सही मेरे को लगी। एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले है, आपको मैं बाहर भी जाके दिखा दूंगा मतलब रोशनी में, तो आपको वहाँ पे भी डिस्प्ले अच्छे से आपको दिखने वाली है। आपको ज़्यादा मतलब आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, जो काफ़ी सही डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ के साथ में तो और भी है, अच्छे से काम करती है, फास्ट डिस्प्ले है। आप इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हो, अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप सेटिंग्स में जाके आप डिस्प्ले वगैरह में यहाँ पे एडिशनल वगैरह में जाके आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। डिस्प्ले और ब्राइटनेस वगैरह सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको इसको कितने वो हर्ट्ज पे रखना है, तो वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, हाई रख सकते हो, लो रख सकते हो, या फिर इसे ऑटो भी आप रख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंगली मतलब हर्ट्ज को अपनी रिफ्रेश रेट को सेट कर लेगा। तो वो उसके ऊपर फिर यूआई के ऊपर डिपेंड हो जाता है, जो भी उसका यूआई है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वो किस हिसाब से उसके है ना यूआई को सेट करेगा, कब 90 हर्ट्ज पे रखना है, कब नॉर्मल इसको रखना है। इससे बैटरी भी आपकी थोड़ी बहुत बच जाती है, अगर आप कम पे रखते हो ना तो आपकी बैटरी ज़्यादा बच जाती है। और भी इसमें आपको रियलमी का 3.0 आपको मिल जाता है, जिसमें आपको कई वॉलपेपर वगैरह का नया डिज़ाइन, नया लुक आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी मुझे काफ़ी सही लगा। उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी, आपको वो वीडियो भी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब आपको ब्राइट डिस्प्ले मिलने वाली है, आपको अच्छे से डिस्प्ले दिख जाती है। कलर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा सही यहाँ पे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब अच्छे मतलब कलर यहाँ पे आपको दिखते हैं, कलर उभर के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको काफ़ी सही यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले के साथ में ये मिलने वाला है। और भी मैं अब आपको कैमरेज वगैरह के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो प्रोसेसर भी आपको कई काफ़ी सही मिल जाता है, मैं थोड़ी बहुत पबजी वगैरह की सेटिंग मतलब BGMI की सेटिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि मतलब कितने सेटिंग्स पे आपको वो मिल जाता है, मतलब क्या कुछ आपको मिल जाती है उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह, आप कितने पे खेल सकते हो, कितने फ्रेम रेट पे आप उसको चला सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी भी आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 60 वॉट को मतलब सपोर्ट करती है, 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग को 4500 mAh की बैटरी सपोर्ट करती है। ये आपको बहुत ही जल्दी चार्ज करके देगी, मतलब बहुत जल्दी ये चार्ज कर देगी, आपको आधे घंटे में पूरा चार्ज करके दे देगी, फुल आपको चार्ज कर देगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फिर भी आपको आधे घंटे के अंदर ये चार्ज करके दे देगी। रियलमी 3.0 का इसमें अभी अपडेट आ चुका है, एंड्रॉयड 12 पे ये चल रहा है, तो मुझे काफ़ी सही लगा। आपको
मिल जाता है ये अपडेट ऑन बॉक्स, आपको यहाँ पे ये मिल जाता है अपडेट अवेलेबल आपको हो सकता है, मतलब आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको जैसे ही आप इसे खोलोगे आपको ये मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो उसे। और इसमें कई सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाते हैं, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, स्टोरेज वगैरह का भी आप देख सकते हो, स्टोरेज भी आपको ठीक ठाक इसके अंदर आपको खाली मिल जाती है, मतलब 16% आपको भरी हुई मिलती है, बाकी आपको खाली मिलने वाली है, तो मुझे ठीक लगा 16% भी है। मैंने थोड़ी बहुत इसमें फोटोज़ वगैरह ले रखी थी इसलिए ही आपको दिखा रहा है, वरना ये भी थोड़ी सी इसके अंदर आपको कम ही खाली, मतलब ज़्यादा भरी हुई नहीं मिलने वाली है। और भी आपको कई सारे एंतुतु वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी सही यहाँ पर स्कोर आपको मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, डायमंड सिटी की तरफ से ही प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का, तो मेरे को लगा काफ़ी सही आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे दे देगा। और भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कई सारी चीज़ें यहाँ पे रन करके देखी है, सॉफ्टवेयर वगैरह ये आपको आते हैं, और इसमें वाइट वन एल वन का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आप एच डी कॉन्टेंट यहाँ पे आप चला सकते हो नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, तो वो भी मेरे को काफ़ी सही लगा आपको, मतलब अच्छी चीज़ें आपको इस बारी मिलने वाली है 25,000 के अंदर, आपको ठीक ठाक चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये बारी फ़ोन होने वाला है, ग्लास बैक के साथ में आता है। पबजी आप देख सकते हो डायमंड सिटी का आपको मीडियाटेक 90 आपको 900 मतलब इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जो प्रोसेसर काफ़ी सही है, आपको स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखा दूंगा क्या क्या ये सपोर्ट करता है। रियल मी 3.0 का भी आप देख सकते हो थोड़ा सा लुक यहाँ पे चेंज किया गया है, जो गेम स्पेस है उसका थोड़ा सा लुक यहाँ पे उसको अलग किया गया है, ज़्यादा भी तो डिफरेंस नहीं है, चीज़ें ज़्यादा ऐड नहीं की है, लेकिन बस उसको लुक को थोड़ा बहुत है ना मतलब रीअरेंज यहाँ पे किया है, बाकी इतना कोई खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अगर बैलेंस पे अगर करते हो तो आप एक्सट्रीम यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप देखो तो इस प्रोसेसर यहाँ पे ये सपोर्ट करता है, एच डी भी ये सपोर्ट करता है अगर आप अगर खेलना चाहो तो एच डी आर, लेकिन अल्ट्रा वगैरह ये सपोर्ट नहीं करता है, अल्ट्रा वगैरह आप नहीं चला सकते हो, बाकी एच डी आर तक आप खेल सकते हो, लेकिन उसमें भी फिर आपको ना एक्सट्रीम नहीं मिलने वाला है, नॉर्मली आपको मिलने वाला है, तो वो भी चीज़ें फिर अलग हैं, आपको इतना भी प्रोसेसर फास्ट नहीं मिलता, लेकिन आपको कोई भी लैग यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ फोटोज़ भी मैंने यहाँ पे लिए, फोटोज़ भी आपको मैं दिखा दूंगा, आप यहाँ पे नॉर्मल फोटोज़ भी देख सकते हो, मैं आपको बड़ी स्क्रीन करके भी यहाँ पे फोटोज़ दिखा दूंगा, जो फोटोज़ मुझे काफ़ी सही लगी, अगर आप अगर इस फोन को लेते हो तो कैमरा के अंदर भी आपको सही मिलता है, 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाता है, और आपको ना 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है, और 8 का अल्ट्रा वाइड आपको इसके अंदर मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, सेल्फीज और आपको सब चीज़ मैं फोटोज़ दिखा दूंगा, आप बाहर की फोटोज़ देख सकते हो, अल्ट्रा वाइड की फोटोज़ भी आपको मैं दिखा दूंगा, और नॉर्मल फोटोज़ भी आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरे को लगा कि हाँ डिटेलिंग इसके अंदर है, आपको इतनी डिटेलिंग मिस नहीं है, आपको अच्छी है। नाइट के अंदर भी आप फोटो देख सकते हो, ये स्टेरी मोड वाला मैंने एक रखा है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो काफ़ी सही इसका, मतलब ये तो यूआई के ऊपर ही है, थोड़ी बहुत अच्छी सेल्फीज़ यहाँ पे मतलब फोटोज ले लेता है, जो काफी सही मेरे को लगा, कैमरा काफी सही है, अगर आप इसे खरीदना चाहो ना तो 25,000 के अंदर आप खरीद सकते हो, नाइट मोड के अंदर भी आप देख सकते हो काफी सही फोटोज यहाँ पे आपको निकल के मिल जाती है। आप बहुत मतलब नॉर्मल अगर है आप लेना चाहो ना इसे तो आप नॉर्मली इसे ले सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है आप इतने अगर बजट कर सकते हो, बस इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें लगी कि ना आपको है ना एक माइक्रो एसडी कार्ड तो यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि है ना कई बार लोग कम स्टोरेज का ले लेते हैं फिर उसको माइक्रो एसडी कार्ड से बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो देना चाहिए था, तो मेरे को वो थोड़ा सा लगा कि मतलब डेडिकेटेड अगर दे देते तो ज़्यादा वो सही रहता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और रियलमी 3.0 के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है कि क्या क्या उसमें फीचर्स आए हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें नई हैं, वो सारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रोन और कॉन्स भी आपको मैं बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, और मेरी वेबसाइट भी आप जाके उस पर भी है ना विजिट कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी अपना कंटेंट वगैरह डालता रहता हूँ, वहाँ पर भी आपको चीज़ें बताता रहता हूँ स्पेसिफिकेशन वगैरह की, और चीज़ें बहुत सारी मैं बताता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो थैंक यू वेरी मच।